तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, आपको बता दें कि हिट एंड रन एक्ट स्ट्राइक से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कमर्शियल वाहन संगठनों में मतभेद, कुछ कमर्शियल वाहन संगठन जारी रखेंगे और ये कहा जा रहा है कि कुछ स्ट्राइक अभी जारी ही रखेंगे। टूरिस्ट कार संगठन के साथ कई वाहन चालक स्ट्राइक करेंगे और कुछ वाहन संगठन हुए स्ट्राइक से बाहर, थोड़ी देर में सभी संगठन फैसला ले सकते हैं। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी, कमर्शियल वाहन संगठनों में अब मतभेद देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आसिफ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आसिफ, देखिए अभी कुछ दिनों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी उसमें ये देखने को मिला था कि हड़ताल देखने को मिला था, अब ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि कुछ संगठन कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे और कुछ ने तो अभी यहाँ पर बात मान ली है। क्या अपडेट है फिलहाल और आपके बैकग्राउंड में कुछ लोग नजर आ रहे हैं, बातचीत करिए। श्रुति, मैं इस समय कलेक्ट्रेट सर्किल पे हूँ और रात को ये तय किया गया था कि जो राजस्थान के 18 कमर्शियल वाहन संगठन है वो स्ट्राइक पर जाएंगे, लेकिन कल शाम को रात को जो है सरकार के साथ दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्टर्स की बैठक हुई थी, उसके बाद में कुछ संगठन क्विट कर गए थे क्योंकि इस कानून को लगभग अभी होल्ड पे डाल दिया गया है, ट्रांसपोर्टर्स की समस्याओं को सुना जाएगा। लेकिन राजधानी जयपुर के अंदर अभी भी कुछ संगठन जो है वो इस बात पर अड़े हुए हैं, यहाँ कलेक्ट्रेट सर्किल पे मौजूद है, हम बात करते हैं उनसे। हमारे साथ जो है वो टैक्सी एसोसिएशन, जो टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन है, उसके अध्यक्ष हैं दिलीप सिंह जी। दिलीप जी, ये बताइए कि देर रात को जो दिल्ली के साथ वार्ता हुई थी उसमें क्या हुआ था कि सारे जो है वो लगभग क्विट कर गए थे, आप अभी भी जो है वो अड़े हुए हैं, क्यों? यह सिर्फ सरकार ने मिसगाइड किया गया, सरकार ने भ्रमित करने के लिए, संगठनों में फाड़ करने के लिए, जबकि हमने आंदोलन की चेतावनी दी थी कि 23 तारीख को जयपुर बंद रहेगा, 18-20 संगठन है सभी साथ में रहेंगे, लेकिन रात को 11 बजे केंद्र सरकार के द्वारा एक चाल चली गई है और चाल के माध्यम से लोगों को कन्फ्यूजन पैदा किया गया है कि हड़ताल जो आपका हिट एंड रन जो वो उन्होंने धारा लगवाई थी, वो एक्ट बनाया था, उसको वापस ले लिया गया है। जबकि दिल्ली में मेरी बात हुई है सुबह 4 बजे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं हमारे पास लिखित में कोई भी अभी तक ऐसा नहीं आया है। यह सिर्फ लोगों को और जो भी जितने संगठन हड़ताल पर है, रोड पे उतरे हुए, उनको दो फाड़ करने के लिए उन्होंने अंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी। दिलीप जी, अभी आपकी मुलाकात किससे होने जा रही है? अभी हमारी मीटिंग कलेक्टर साहब वगैरह से, एसपी साहब वगैरह से मीटिंग हो रही है, कल कमिश्नर साहब से भी मीटिंग हुई थी, हमने सभी संगठनों ने दो टूक जवाब दिया था कि जब तक हमारे को हिट एंड रन जो ये नया कानून बना है अगर इसको वापस नहीं लिया जाता है तब तक हड़ताल है, निरंतर जारी रहेगी। दिलीप जी, रात को कुछ संगठन जो आपके साथ 18 संगठन थे कुछ क्विट कर गए हैं, आप अभी यहाँ पर बने हुए हैं, आप देख रहे हैं ट्रैफिक वैसा का वैसा चल रहा है, आपके साथ कितने संगठन हैं इस समय? हमारे साथ में करीब 14 संगठन अभी है। ट्वीट करने का वो क्विट करने का मतलब भी मैं बताया ना, रात को 11 बजे बाद में ऐसी अफवाहें फैलाई गई कि सरकार ने जो आपका एक्ट लागू हुआ था उसको रद्द कर दिया गया, उसको वापस निरस्त किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह चाल चल करके सब में दो फाड़ करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह वापस वीडियो जारी कर दिए गए हैं, अभी मिनी बस वाले भी हमारे साथ है, मैजिक ऑटो वाले भी हैं, ट्रक वाले भी हैं, सब साथ में है, टूरिस्ट कार वाले हम खुद खड़े हैं, सारे के सारे ड्राइवर बंधु, ड्राइवर एसोसिएशन भी साथ में खड़ी है, सारे संगठन वापस। आगे की क्या रणनीति रहने वाली? आगे की रणनीति ये, आज एक दिन के लिए पूरी तरह से इसको बंद किया गया है, अगर फिर भी सरकारें नहीं मानी है तो आज जो दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा कि अगर केंद्र सरकार आज ये जो कानून बनाया है इसको वापस ले लेती है, अगर नहीं लेती है तो आगे भी यही रणनीति रहेगी, आगे जारी रहेगा। नहीं श्रुति, ये हमारे साथ जो है वो टैक्सी एसोसिएशन के लोग हैं और इनका ये कहना है कि इनके साथ अभी भी 14 संगठन है, हालांकि बंद जैसा जो है वो कुछ नजर नहीं आ रहा है, बावजूद इसके इनका ये कहना है कि इस कानून पर बातचीत ना हो, इस कानून को बिल्कुल आसिफ को बड़ी संख्या में लोग यहां पर नजर आ रहे हैं और कौन कौन से संगठन अभी इसमें शामिल है आसिफ, और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार बातचीत का दौर भी चला लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आई। श्रुति, इनसे पूछ लेते हैं, दिलीप जी ये बताइए कौन कौन से संगठन आपके साथ है, उनका नाम बताइए, कितने आप कह रहे हैं 14 संगठन है? हाँ जी, 14 संगठन आपके साथ है, कौन कौन से संगठन साथ? हमारे साथ में मैजिक ऑटो आ गए, जयपुर शहर के अंदर चलने वाली मिनी बसें आ गई, जो रेलवे स्टेशन है वो आ गए, उसमें हमारी ड्राइवर यूनियन है, 3 संगठन बने हैं वो सारे आ गए, हमारे जो एयरपोर्ट वगैरह वो आ गए, हमारी जो टैक्सी यूनियन है वो आ गई, इसके अंदर मैजिक ऑटो वाले ये सामने खड़े हैं, मिनी बस वाले खड़े हैं, ऐसे करके 14 संगठन, ओला उबर वाली वो सामने गाड़ियां खड़ी हैं, सबके सब जिन जैसे लोगों को वापस जानकारी मिल रही है सारे वापस ट्वीट करके हमारे साथ में आ रहे हैं।
ये श्रुति, दरअसल रात को जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके चलते कुछ संगठन जो है इस स्ट्राइक से बाहर चले गए, लेकिन इनका ये कहना है कि भले ही 18 संगठनों ने रात को फैसला किया था लेकिन 14 संगठन इनके साथ है। हालांकि श्रुति, जैसा कि मैंने शहर का जायजा लिया उसके मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा जो है वो बंद का असर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन बावजूद इसके इनका ये कहना है कि ड्राइवर्स इनके साथ में, मिनी बस वाले इनके साथ हैं, एयरपोर्ट पे जो ड्राइवर्स काम करते हैं वो इनके साथ में, जो पर्यटकों के लिए गाड़ियां चलती है टैक्सी एसोसिएशन है वो इनके साथ में है, और रात को जो वार्ता हुई थी उसके बाद में जो है कुछ संगठन इस हड़ताल से बाहर चले गए थे। आज इनका ये कहना है जो 14 संगठन यहाँ पर मौजूद है कि ये बंद रखेंगे और आज रात को ये फैसला करते हैं कि कल जो है आगे की रणनीति क्या होगी। श्रुति, बिल्कुल देखिए आसिफ, जगह जगह से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उसमें देखने को मिला था कि विरोध लोग करते हुए नजर आए थे, यातायात भी प्रभावित हुई थी, तो आज भी अगर ये लोग बंद का आह्वान करेंगे तो आज भी यातायात पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। और क्या कोई रूट भी डायवर्ट किया गया, ऐसे कोई अपडेट आपके पास? श्रुति, ऐसी कोई खबर फिलहाल राजधानी से सामने नहीं आ रही है कि किसी रूट को डाइवर्ट किया गया, बल्कि मैं आपको बताऊं कि राजस्थान रोडवेज के एमडी नथमल डिडेल ने साफ तौर पर राजस्थान रोडवेज के ड्राइवर्स को ये हिदायत दी है, कड़े निर्देश दिए कि किसी तरह के प्रदर्शन या हड़ताल में शामिल नहीं होना है, अगर ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर राजधानी के ट्रैफिक को देखा जाए, ट्रैफिक जो है वो बदस्तूर जारी है, वैसा का वैसा ट्रैफिक जाम जैसे आम दिनों में सड़कों पर देखा जाता है वो जाम अभी भी लग रहा है, लेकिन कुछ संगठन जो है उनकी आप कह सकती हैं कि कुछ हजार गाड़ियां जो है इसके अंदर शामिल है, क्योंकि ट्रैफिक और गाड़ियां बहुत ज्यादा है, लिहाजा ये